करीब दो सप्ताह से अपने विकराल रूप से हजारों लोगों को परेशान और सैकड़ों को बेघर करने वाली गंगा अब अपने स्थान पर लौटने लगी हैं। इससे पीड़ित राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन दुश्वारियां अभी भी बरकरार हैं। निचले इलाकों में अभी भी गंगा का कब्जा बना हुआ है। बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इससे किसानों के माथे पर नुकसान का बल पड़ गया है। पशुओं के सामने चारे की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे पशुपालक परेशान हैं। जिन स्थानों से बाढ़ का पानी हट रहा है, वहां पर दुर्गंध उठ रही है। इससे लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। मालूम हो कि करीब 10 दिन पहले गंगा के जल स्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी थी। वह खतरे के निशान को पार करते हुए तटवर्ती इलाकों के कई गाँव में प्रवेश कर गई थी। जिले के जमानिया, करंडा, रेवतीपुर, सैदपुर, भावरकोल, मोहम्मदाबाद, सेवराई सहित अन्य क्षेत्रों के सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया था। इससे सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। नाले के माध्यम से शहर के कई निचले इलाकों में भी पानी घुस गया था, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में नाव का संचालन शुरू करा दिया था, जिसके सहारे पीड़ित अपने जरूरी सामानों को निकालकर बाढ़ शिविरों के साथ ही अन्य सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे थे। करंडा ब्लॉक के महाबलपुर में अभी भी दर्जनों पीड़ित सड़क किनारे प्लास्टिक की चादर डालकर मवेशियों के साथ रह रहे हैं। जिले के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ में डूब गई थी। इसी बीच करीब 4 दिन पहले गंगा में घटाव का क्रम शुरू होते ही पीड़ितों के चेहरे पर इस बात से खुशी आने लगी है कि अब गंगा घट रही है। पानी पूरी तरह से निकल जाने के बाद वह फिर से अपने घरों में लौट जाएंगे। कई इलाकों से जहां पानी निकल गया है, वहीं तमाम इलाकों में अभी भी गंगा के पानी ने कब्जा जमाए रखा है और लोगों की दुश्वारियां बरकरार है। जिन स्थानों से बाढ़ का पानी हट रहा है, उस स्थान से उठ रही बदबू से लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। प्रशासन की तरफ से इन स्थानों पर अभी तक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शुरू नहीं कराया गया है। बाढ़ की वजह से पशु पालकों के सामने चारे की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि पीड़ितों में इस बात का संतोष है कि गंगा घट रही है। वह कयास लगा रहे हैं कि यदि लगातार घटाव जारी रहा तो कुछ दिनों में माँ गंगा फिर से अपने स्थान पर लौटते हुए हम लोगों को राहत देते हुए परेशानियों का समाधान करेंगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।